नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। गया जी कैसे बना मोक्ष स्थल? गया जी में ही क्यों किया जाता है पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण? कहा जाता है कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। इसके पीछे क्या है पौराणिक कथा, तो इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान मुझे देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपश्चर्या से देवता भी भयभीत हो गए कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घकाल तक यज्ञ कराने पर ही वह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांग लिया। यज्ञ कुंड गयासुर की छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा, तब ब्रह्मा जी चिंतातुर हुए। ब्रह्मा जी भयभीत भी हुए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया, उन्होंने श्री नारायण का ध्यान किया। श्री नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वर मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सदगति को प्राप्त करे। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गयाजी में पितृ श्राद्ध करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। तो आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान गंगा से जुड़े रहने के लिए ज्ञान गंगा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर यह सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। ये देखिए, ये बेल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।